समय के थपेड़ों को न सहने के कारण यह किला आज खंडर का रूप ले चुका है। लेकिन आश्चर्य देखिए, बिना किसी देखभाल के और सरकारी उपेक्षा के यह किला अब ध्वस्त हो चुका है। हरियाणा के बहुत कम जगहों पर किले हैं गाँव में, उसके बावजूद भी 70 सालों में 1947 के बाद भी सरकार ने न कभी इन विरासतों की सुध ली, न खोज की, न इनको बचाया, न आने वाली पीढ़ी को कभी इनके बारे में ही बताया। इसी कारण ये गांव में खड़े खड़े ये खंडर हो गए हैं, वीरान हो गए हैं और न जाने इनके क्या क्या नाम हो गए हैं। लोग अब इन्हें हॉन्टेड कहने लगे हैं और इनके बारे में और भी न जाने क्या क्या बातें बनने लगी हैं। इस किले पर मैंने एक बार ये भी सुना था कि इसमें तोपों के गोलों के निशान भी हुआ करते थे। इस पर कभी अटैक हुआ है कि कभी पुराने समय में, कुछ लोग बताते हैं कि ये शायद, ये पता नहीं क्या है, ये शायद तोप के गोले का निशान इधर से तो नहीं, पर एक गड्ढा सा बिल्कुल ऐसे कमाल, मैं खुद ही दिखाता हूँ। लाइए ये देखिए, ये कैसे कैसे गड्ढा बना होगा, ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, ज़्यादा ना तोड़ा हुआ है ना कुछ। लोग ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पर तोप भी इसमें के गोलों के निशान हुआ करते थे, वे भी कुछ समय तक लोगों ने देखे हैं। और इधर अंदर आकर भी मैं दिखाता हूँ आपको, चलते हैं। कमाल है दोस्तों, सच में गंदगी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कभी क्या किला रहा होगा ये? ये देखिए मैं कहाँ चढ़ गया हूँ इस पर। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे ये लगता है कि शायद यहाँ भी कोई निर्माण कमरा रहा होगा, कोई छत गिरी है या दीवार गिरी है यहाँ, उसकी भराव मिट्टी है समय के साथ हो गया है। अरे वाह, क्या कमाल की फिनिश, स्मूथनेस रही है इस दीवारों में। करीब जितना भी ये 200-250 साल पुराना किला है जो अब मात्र एक खंडर है, सरकारी उपेक्षा, घनघोर लापरवाही ASI और सरकार के द्वारा, जिसके कारण एक मशहूर मजबूत किला खंडर में तब्दील हो गया और जिसकी सुध लेने वाला आज़ादी के 70 सालों बाद भी आज तक कोई नहीं हुआ। और फिर रह जाएगा किला जफरगढ़ केवल यादों में, लोगों की बातों में, कि इस गांव में कभी एक मजबूत किला हुआ करता था जिसका नाम था किला जफरगढ़, जो आज समाप्त हो गया है। और ये देखिए अब मैं आपको कहाँ ले आया, यहाँ से मैं आपको एक फुटेज दिखा देता हूँ फिर से कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इस किला जफरगढ़ में। ये देखिए, ये मेरे साथ मेरे दोस्त कैमरामैन हैं जो इस फुटेज में आपको दिख रहे होंगे नीचे, और बाकी अदरवाइज यहाँ कोई नहीं है। पसीने से, गर्मी से बुरा हाल है मेरा, ह्यूमिडिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। ये देखिए किला जफरगढ़ की कैसी एक, कहाँ मैं खड़ा हूँ, देखिए रास्ता कितना है, जरा सा है। मैं इसमें से उतर रहा था, एक ईंट टूट गई छोटी सी, तो बहुत ध्यान से वेट मैनेजमेंट करना पड़ा। ये देखिए बिल्कुल अभी अभी ये हिस्सा यहाँ से दिखा हुआ है, ये टूट गया, और अगर मैं बहुत सावधानी से न होता तो बढ़िया चोट लग सकती थी, गिर सकते थे। ये ऐसे था यहाँ से, जो एकदम पैर रखा ही हट गया, अब लग भी नहीं रहा है। चलिए
दोस्तों आप भी कभी ऐसी जगहों पर आएँ तो बहुत सावधानी से, ध्यान से, क्योंकि ये जितनी रोमांचक जगह तो है लेकिन कहीं ना कहीं रिस्की भी होती हैं। ऐसा लगता है इन तोप के गोलों से ये किला कभी बुरे हालत में हुआ होगा और इस किले पर कभी कब्जे के लिए शायद बहुत खून बहा होगा और खूब गोलियां और तोप चली होंगी, जिसके निशान किला जफरगढ़ में आज भी जगह जगह देखे जा सकते हैं।